नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं दीपाली सिंह, खबर पंजाब से। पंजाब में सरकार बदलते ही भट्टे मालिकों के चेहरे खिले। पंजाब के भट्टा मालिक सरकार के बदलने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज पंजाब के बड़ी संख्या में भट्टा मालिकों ने चुनाव किए, जिसमें रमेश कुमार को प्रधान नियुक्त किया गया और जोगिंदर सिंह बालको को चेयरमैन बनाया गया। इस मौके पर प्रधान रमेश कुमार का कहना है, पहले हम सभी भट्टा मालिकों को एकजुट करेंगे और जो हमारी इंडस्ट्री घाटे में जा रही है उसको प्राइवेट में लाने की कोशिश करेंगे और राजस्थान से जो ईट आ रही है उन्हें बंद करेंगे। आइए सुनते हैं प्रधान रमेश कुमार को। असीं सब तो पहला तो यही करांगे, साडे लुधियाणे दे जिहड़े भाईचारा माड़ा मोटा बाहर आ उन्हां नूं वी असीं नाल लै के, असीं जिहड़े भट्ठा इंडस्ट्री साडी बहुत घाटे चल रही आ, असीं उहनूं असीं उपराला करांगे वी इहदा कोई हल हो जावे। सरकार तो सानूं बहुत उम्मीद आ जी, सरकार अच्छी बणी आ ते सरकार नूं असीं साडे पंजाब दे प्रेजिडेंट साहब खड़े आ, चेयरमैन जी ने, इहनां नाल असीं मिल के जो भी सानूं प्रॉब्लम आउणगीआं ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੂੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਟਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਿਰਫ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਜਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। कंट्रोल ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਹਮਾਰੀ ਖਾਸ ਖਬਰ, ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।